सीएम उमा भारती रायसेन जिले के सिलवानी ग्राम कुंडाली पहुंची, जहां उन्होंने विशाल आम सभा को संबोधित किया। इसके पहले उन्होंने कुंडाली स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना की। इसके बाद जनसभा में सम्मिलित हुई। इस दौरान उन्होंने शराबबंदी को लेकर कहा कि सरकार को आगामी 15 जनवरी तक वही शराब नीति घोषित करनी होगी जो जनहित में हो, महिलाओं के हित में हो, नौजवानों का भविष्य बर्बाद ना करे, ऐसी एक नीति घोषित हो, क्योंकि सरकार शराब परोस रही है। इसीलिए शराब को सरकार को ही बंद करना चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बन सके। इस अवसर पर सिलवानी के विधायक रामपाल सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। नीति घोषित हुई और अगर उसमें कोई बातें नहीं है जो मैंने कही, उन्हें कोई आंदोलन नहीं करने